हजमत 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 दोस्तों, ये अपना चराई वही वाला चराई वही पशु आहार। और ये दोस्तों पुलाव है, ये देखो इसमें मसाले देख रहे होंगे आपको, एकदम बिल्कुल गर्म है, बना के लाए सवेरे सवेरे। तो दोस्तों वही अभी चराई कर रहा हूँ, ये अपना पशु आहार और ये पुलाव। दोस्तों पुलाव तो सब जानते हो बनाने के लिए, मैं जो यूज़ करता हूँ अभी तक फेल नहीं हुआ है जिधर भी लेके गया। और ये आपको देखना कि किस तरह बनाता हूँ, तो मेरा ये जो चैनल है अकाल की कायनात, आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूँ या तो फिर आप सर्च मारिएगा तो ये लोग आएगा, क्योंकि और काल की कायनात से मतलब 5-6 चैनल है, तो ये मेरी फ़ोटो दिखेंगी आपको। तो आप जाके उसमें और आप कैसा बनाता है पुलाव के वीडियो मैं डाल दूँगा उसमें, बनाते हुए आप जाके चेक कर सकते हो किस तरह से बनाता हूँ। तो चराई के लिए पुलाव, ये पशु आहार आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसे कि जानवर का खाने का दाना वगैरह जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपको कहीं पर भी मिल जाएगा ये पशु आहार। इसमें थोड़ा सा कोंडा ऐड किया हूँ इसमें थोड़ा सा, ये भी कोंडा है लेकिन जितना चाहिए था उतना, क्योंकि इसको भी थोड़ा बाद में रखते, बाद में चराई फेंकने के लिए। तो इसको दोस्तों मिला लेते हैं पूरा। आप लगे तो इसमें जैसा ज़्यादा समय तक अगर चराई करना है आपको, कि अगर शाम में आप चराई कर रहे हैं वो जगह पे, तो इसमें क्या करना, मिट्टी डाल देना, मिट्टी मिक्स रहेगी तो मछली जल्दी खाई नहीं जाएगा और चराई काफ़ी देर तक रुकी रहेगी, टिकी रहेगी। तो दोस्तों इसको मिला के और लड्डू बना के फेंकना है, तो अभी समय लगेगा ज़रा मिलाने में, तब तक के रुकते हैं ज़रा। दोस्तों ये चटनी है काली वाली, ये अपना अथर भाई ने नागपुर से भेजे इन्हें ये चटनी। दोस्तों इसका खुशबू बहुत मतलब अलग टाइप का रहता है, जो मछलियों को अट्रैक्ट करता है, और ये मछली आए बाद यहाँ पे ना ही उनके लिए खाने का है ना कुछ, इनकी जो खुशबू है ना और वो तेलकट से खुशबू फैलती है पानी में, तो मछली आके जमा हो जाती है, वो भागते भागते भी नहीं है, और उनको थोड़ा डर ख़त्म हो जाता है। इसकी सेंट ऐसा, ये सेंट ऐसा है जो उनका सेंस है ना थोड़ा सा कम कर देता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा उनकी सेंस कम कर देता है, सोचने की क्षमता वगैरह। तो मछली वहीं पे घूम घूम के रहती है और वो डर डर के नहीं खाती, या उनके पास उतना सोचने की क्षमता नहीं रहती कि मतलब क्या बच के चलना क्या नहीं। तो ये चटनी है, यहाँ बिना लेट करते हुए कर देते हैं चराई। बच्चा रहेगा कम से कम ग्राउंड पकड़ के चरते चरते तो आएंगे, इसलिए अपने को क्योंकि काफ़ी टाइम तक छोड़ना है। जैसे फैले हुए रहेंगे तो ग्राउंड में वो फिर थोड़ा थोड़ा एक एक चाटते, जब यहाँ पे पूरा है वहाँ के जमा हो जाएंगे, तो इसके लिए पूरा बिखेर देना है, ज़्यादा टाइम छोड़ना है तो, नहीं तो अब आपको तुरंत खेलना है तो फिर इतना समय देने की ज़रूरत ही नहीं। चलो हो जाए, अब चलते हैं ज़रा कास्टिंग कराने मरम के लिए। लग गया हो इमरान भाई,
उठाओ। दानिश तो चलो दोस्तों 8:02 हो गए चराई को। अजमत जलिया आने तक लागल लो छोटो। रखा था प्लास्टिक होल था इसके लिए गीला हुआ है, तो अभी चलता कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अजमत लैंडिंग नेट वन, लैंडिंग नेट वन लैंड करेला नेट वन। छाके वाला जलिया रे
वीडियो चालू कर, वीडियो चालू कर। हमर हमर चालू है। अरे पलटते पाँच किलो मस्त भूसा था यार। हजमत 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 है दानिश इधर आ। अरे यार छूट गए रे, छूट गया। बहुत बड़ा था दोस्तों, बहुत बड़ा था, बिल्कुल भुर भुरा बाइट है। ये देखो देखो दोस्तों कितना मतलब परफेक्ट गेम बना है ना, खेल सही होता है। एक मिनट तुम शूट करो, इतना जल्दी रिजल्ट है राहु, कम से कम 2 किलो का। तो खिला लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते तो मतलब नहीं टाइम लगाते। मुसा खोपड़ी में और ये उतना खास महंगा नहीं है। अगर आपको मंगाना रहेगा तो अथर्व भाई का नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नागपुर वाले का, वो मंगा सकते हैं वहाँ से।